जिस समय भारत में इन बड़े पांच राज्यों के लिए छोटी छोटी रियासतों का विलय कराया जा रहा था, इसी समय भारत में राज्यों के पुनर्गठन की मांग बढ़ रही थी और राज्यों के पुनर्गठन की मांग भाषा के आधार पर तेज गति से बढ़ रही थी, जिसके प्रबल समर्थक थे वेंकट श्री रामुल्लू या रामुल्लू के नाम से आप इन्हें जानेंगे। तो ध्यान रखिएगा, इनके द्वारा इस मांग को बढ़ाया जा रहा था, इसके लिए भारत सरकार ने कुछ आयोग गठित किए थे। चलिए अब हम बातचीत करते हैं उन आयोग पर। प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान रखिएगा, इन पांच बड़े राज्यों को तोड़कर छोटे राज्य बनाने के लिए भारत सरकार ने कुछ आयोग गठित किए। उन आयोगों का क्रम कुछ इस प्रकार था। जो पहला आयोग गठित किया गया, इसका नाम था धर्म आयोग। धर आयोग का कार्य क्या था? तो धर आयोग का कार्य था कि राज्यों के पुनर्गठन की जो मांग उठ रही है, क्या वो सही है, क्या बड़े पांच राज्यों को तोड़कर छोटे राज्य बनाने चाहिए, और अगर बनाने चाहिए तो किस आधार पर, प्रशासनिक आधार पर या फिर भाषा के आधार पर, ये इस आयोग का काम था। तो पहले देख लेते हैं आयोग का कार्य। आयोग का कार्य क्या था? तो आयोग का कार्य था, ध्यान रखिएगा, राज्यों के गठन पुनर्गठन पर विचार करना, और अगर राज्य बनाए तो इसका आधार क्या हो, क्या यह आधार प्रशासनिक होना चाहिए या फिर, याद रखिएगा, भाषाई होना चाहिए। ओके, अब बात करें कि इसका गठन कब किया गया था। तो इसका गठन किया गया था सन 1948 में, और 1948 में ही इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। जब इन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत की तो रिपोर्ट में कहा कि हां, राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए, हां राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए, और इसका आधार क्या होना चाहिए। तो इसका आधार होना चाहिए प्रशासनिक ना कि भाषा। तो प्रशासनिक आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की इन्होंने सिफारिश की थी। क्लियर है चीजें? प्यारे विद्यार्थियों, पहला जो आयोग गठित हुआ है, इसका नाम क्या है आप बताइए? धर आयोग। तो धर आयोग गठित किया गया था। इस आयोग का कार्य क्या था बताएंगे? राज्यों के पुनर्गठन पर विचार करना और यह देखना कि क्या बड़े राज्यों को तोड़कर छोटे राज्य बनाने चाहिए, और अगर छोटे राज्य बनाए जाए तो किस आधार पर राज्य बनाने चाहिए। क्या हमें राज्यों को प्रशासनिक आधार पर बनाना चाहिए या फिर भाषा के आधार पर राज्य बनाए जाने चाहिए। इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की 1948 में, और 1948 की रिपोर्ट में इन्होंने कहा कि हाँ, राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए, लेकिन वह आधार क्या होना चाहिए? प्रशासनिक ना कि भाषा के आधार पर। यहाँ पर आप यह भी जानिए कि इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो ध्यान रखिएगा, इस आयोग के अध्यक्ष थे एस के धर। ध्यान रखिएगा, इस आयोग के अध्यक्ष थे। तो एस के धर इस आयोग के अध्यक्ष थे, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और एक सदस्य यह आयोग था, यानी कि एक ही मेंबर इसमें थे, एस के धर, ठीक है। जब इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की तो वैसे ही, ध्यान रखिएगा, दक्षिण भारत में विद्रोह प्रारंभ हो, और दक्षिण भारत के इस विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे वेंकट श्री रामुल्लू, जिनका कहना था कि राज्यों का पुनर्गठन तो किया जाए लेकिन भाषा के आधार पर किया जाए, ना कि प्रशासनिक आधार पर, ठीक है।
धर आयोग का परिणाम क्या हुआ? तो इसका परिणाम हुआ दक्षिण में विद्रोह। दक्षिण में विद्रोह बढ़ा और विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे वेंकट श्री रामुल्लू। ध्यान रखिएगा, इस विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे रामुल्लू। ओके, ठीक है। इसके उपरांत एक और आयोग गठित किया गया जिसका भी यही कार्य था कि यह देखना कि क्या राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए और अगर पुनर्गठन होना चाहिए तो वह किस आधार पर होना चाहिए। चलिए अब इस दूसरे आयोग पर हम बातचीत करना चाहेंगे। जो एक और आयोग बनाया गया इसे ही नाम दिया गया था JVP समिति। एक और आयोग बनाया गया जिसका नाम था JVP समिति। याद रखिएगा यह भी 1948 में गठित की गई और यह समिति भी 1948 में गठित की गई। कितने सदस्य थे इसमें? मेंबर्स थे इसमें, ध्यान रखिएगा, 3। कौन कौन मेंबर थे ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा इस समिति में जो पहले मेंबर है इनका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। दूसरे व्यक्ति याद रखिएगा कौन है, तो इनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल पटेल। और ध्यान रखिएगा तीसरे व्यक्ति हैं पट्टाभी सीता रमैया। तो पट्टाभी सीता रमैया तीसरे व्यक्ति से, ध्यान रखना। एक बार फिर से देख लीजिए, JVP समिति कब गठित की गई है? 1948 में। कितने मेंबर्स हैं इसमें? तो बताएंगे 3 मेंबर्स हैं। कौन कौन मेंबर्स हैं? ध्यान रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। इसे याद करने के लिए आपको अत्यंत प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, इस नाम से ही यहां पर यह समिति क्लियर हो जाएगी। इस नाम से ही आप इन मेंबर्स को याद कर पाएंगे। देखिए समिति का पहला अक्षर क्या है? तो जे। जे से क्या नाम बन जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। वी से क्या बन जाएगा? वल्लभ भाई पटेल। और पी से क्या बन जाएगा बताएंगे? पट्टाभी सीतारमैया। ओके, तो 3 व्यक्ति के नाम आप ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और यह समझते हैं कि इस समिति के कार्य क्या थे। JVP समिति के कार्य क्या थे? तो ध्यान रखना इस समिति के कार्य जो थे उसमें पहला कार्य था कि क्या राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और अगर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए तो इसका आधार क्या होगा। तो क्या यह आधार प्रशासनिक होना चाहिए या फिर यह आधार भाषा के आधार पर होना चाहिए? तो राज्यों का गठन किया जाए तो प्रशासनिक आधार पर, या मैं कह सकता हूं भाषा के आधार पर। ठीक है, तो यह इस समिति का कार्य था। समिति के द्वारा जो रिपोर्ट दी गई वो 1948 में पेश की गई। रिपोर्ट 1948 में पेश की गई और इस रिपोर्ट में सिफारिश क्या की गई थी? सिफारिश की गई थी कि राज्यों का पुनर्गठन तो होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, और ध्यान रखिएगा किस आधार पर होना चाहिए। तो आधार की बात की इन्होंने प्रशासनिक आधार पर ही पुनर्गठन किया जाना चाहिए, भाषा के आधार पर नहीं। जैसे ही यह समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी और यह कहेगी कि भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनाने चाहिए, हमें प्रशासनिक आधार पर ही राज्य बनाने चाहिए, तो इससे दक्षिण भारत में विद्रोह कर रहे वेंकट श्री रामुल्लू को आघात पहुंचता है और वह अपना विद्रोह तेज कर देते हैं और इसी के साथ अपने आमरण अनशन की घोषणा भी कर देते हैं।
जैसे ही वह आमरण अनशन में बैठते हैं तो दक्षिण भारत में विद्रोह और उठ खड़ा होता है और पूरे दक्षिण भारत में यह विद्रोह फैल जाता है। लेकिन इसके उपरांत भी भारत सरकार उनके समक्ष नहीं झुकती है और कुछ समय उपरांत आमरण अनशन से वेंकट श्री रामुल्लु की हो जाती है मृत्यु। और रामुल्लु की जैसे ही मृत्यु होगी तो ध्यान रखना, दक्षिण भारत में जो लोग थे वह अब हिंसक हो जाएंगे और हर जगह आगजनी करना, बंद करना, ये सब घटनाक्रम प्रारंभ कर देते हैं, जिससे बहुत बड़ी मात्रा में लोग आहत हुए, सरकारी संपत्ति को भी नुकसान हुआ। लेकिन अंततः भारत सरकार इनके समक्ष झुक जाती है और झुकने के उपरांत ध्यान रखिएगा परिणाम क्या होगा। परिणाम होगा 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन होगा। आंध्र प्रदेश राज्य बनाया जाएगा भाषा के आधार पर यह राज्य बनाया गया। तो भाषा के आधार पर पहला राज्य जो गठित किया गया था इसका नाम था बताएंगे आंध्र प्रदेश। आप यहां पर यह भी जानिए कि यह राज्य किस भाषा के आधार पर बनाया गया था, तो ध्यान रखिएगा तेलुगु भाषा के आधार पर इस राज्य का गठन किया गया था 1 अक्टूबर 1953 को। लेकिन जैसे ही 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य गठित होगा तो वैसे ही पूरे भारत में विद्रोह भड़क जाएगा। आप बोलेंगे सर राज्य तो बना दिया, अब क्यों विद्रोह भड़क रहा है? तो अब विद्रोह भड़क रहा है अन्य भाषा के आधार पर राज्यों को बनाने के लिए। तो इसके उपरांत जो विद्रोह भड़का वह इसलिए भड़का क्योंकि अन्य भाषाओं के प्रतिनिधि भी बोल रहे हैं कि क्या हमारे मरने के बाद ही आप राज्य बनाओगे ना, अब हम भी मरने के तैयार हैं। जिस प्रकार से वेंकट श्री रामुल्लु की डेथ होने के बाद आंध्र प्रदेश बनाया गया, इस तरह से अगर आप सोचते हैं तो हम भी अपनी भाषा के आधार पर राज्य के गठन के लिए अपनी जान देने तैयार है, हम भी मरने तैयार, बस हमें हमारी भाषा के आधार पर राज्य बना दीजिए। That's why पूरे भारत में विद्रोह भड़क गए। इसी विद्रोह को रोकने के लिए माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने यहां पर घोषणा कर दी किसके गठन की, तो ध्यान रखिएगा राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की घोषणा कर दी गई। ध्यान रखिएगा यह घोषणा की गई थी 1953 में, दिसंबर 1953 में। इस आयोग के अंतर्गत 3 सदस्य थे। अगर हम बात करें वह 3 मेंबर्स कौन कौन थे, तो इसमें अध्यक्ष के पद पर विराजमान थे फजल अली। मेंबर्स में कौन कौन थे, तो 2 मेंबर्स थे जिनका नाम था हृदय नाथ कुंजरू और दूसरे मेंबर थे के एम पड़ेकर। तो ध्यान रखिएगा राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई है, दिसंबर 1953 में। ओके, कितने मेंबर थे इसमें, कुल मिलाकर 3। अध्यक्ष कौन थे बताएंगे, फजल अली, और याद रखना अन्य मेंबर कितने बताएंगे, 2, हृदयनाथ कुंजरू और के एम पणिक्कर। ठीक है प्यारे साथियों, तो ये ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की। तो राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की सन 1956 में। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि कौन कौन से राज्य बनाए जाने चाहिए,
तो रिपोर्ट में कहा गया कि 14 बड़े राज्य बनाए जाने चाहिए और ध्यान रखना कितने यूटी बनाने चाहिए, तो 3 यूटी बनाए जाने चाहिए। तो इसको लेकर आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और ध्यान रखिएगा इन्हीं 14 राज्यों में से एक राज्य था हमारा प्यारा मध्य प्रदेश। तो इन्हीं 14 राज्यों में से एक राज्य था जिसका नाम था मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की स्थापना को लेकर किसने सिफारिश की थी, ध्यान रखिएगा राज्य पुनर्गठन आयोग ने। राज्य पुनर्गठन आयोग की घोषणा या स्थापना कब की गई थी, दिसंबर 1953 को। ध्यान रखिएगा इसमें कितने मेंबर थे, तो इसमें मेंबर्स की संख्या थी 3। अध्यक्ष के पद पर विराजमान थे फजल अली और अन्य मेंबर में थे हृदयनाथ कुंजरू और KM पणिक्कर। इसने अपनी रिपोर्ट कब दी है, 1956 को। कितने राज्य बनाने की बात की है, 14 बड़े राज्य और 3 बड़े यूटी बनाने की बातचीत की है। लेकिन ध्यान रखिएगा इस आयोग की रिपोर्ट पर हमारे संविधान में किया गया 7वां संविधान संशोधन और 7वें संविधान संशोधन के तहत 14 बड़े राज्य और 6 यूटी बनाए गए थे। ध्यान रखना 14 बड़े राज्य और 6 यूटी बनाए गए थे, सिफारिश 3 यूटी की थी लेकिन बनाए गए थे 6 यूटी। ओके, क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में हम अपनी चर्चाएं करेंगे। बात करें मध्य प्रदेश की स्थापना, तो प्यारे विद्यार्थियों इस बात को समझिए मध्य प्रदेश की स्थापना कब की गई है, 1 नवंबर 1956 को। तो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की स्थापना की गई। आप बताएंगे कौन से संविधान संशोधन से, तो ध्यान रखिएगा 7वें संविधान संशोधन 1956 के माध्यम से। ठीक है, जिस समय मध्य प्रदेश की स्थापना की गई उस समय मध्य प्रदेश में कितनी विधानसभा सीटें थीं, तो याद रखना 266 विधानसभा सीटें थीं। विधानसभा सीटें थी, ध्यान रखिएगा। तो मध्य प्रदेश की विधानसभा सीटें सबसे पहले कितनी थी बताएंगे, 266 विधानसभा सीटें थी। बात करें जिस समय मध्य प्रदेश का गठन हुआ उस समय जिलों की संख्या कितनी थी, तो इस समय जिलों की संख्या थी ध्यान रखिएगा 43। कितने जिले थे बताएंगे, 43। अगर आपसे पूछ ले संभाग कितने थे, तो संभाग की संख्या ध्यान रखिएगा 8। कितने संभाग थे, 8। आप पूछना चाहेंगे सर वो 8 संभाग कौन से थे, यह भी बताइए। प्यारे विद्यार्थियों इन 8 संभाग के अंतर्गत जो पहला संभाग था, पहले संभाग का नाम आप याद कर लेंगे इंदौर और दूसरे संभाग का नाम याद कर लीजिए भोपाल। तो 2 संभाग आपको एज इट याद हो गए, क्लियर है बातें। तो 2 संभाग कौन से हो गए, इंदौर और भोपाल। कि इसके बाद आप तीसरे और चौथे नंबर पर याद करिए जबलपुर और ग्वालियर, जबलपुर और ग्वालियर। ग्वालियर संभाग हो गए 4 याद आपको, तो जबलपुर और ग्वालियर चौथे, तीसरे और चौथे नंबर में आप याद कीजिएगा। इसके उपरांत आप याद कीजिएगा 5वें और 6वें नंबर में सागर और रीवा। तो ये 2 संभाग आप और याद कर लीजिए, तो कितने संभाग हो गए, 6। तो पहले संभाग में किसको याद करा आपने, इंदौर और भोपाल। दूसरे में याद किया जबलपुर और ग्वालियर। तीसरे में याद किया है आपने सागर और रीवा। अब बच गए केवल 2। तो ध्यान रखना इसके अंतर्गत आएगा 7वें नंबर पर आएगा बिलासपुर और रायपुर। तो प्यारे विद्यार्थियों बिलासपुर और रायपुर 7वें और 8वें संभाग के रूप में शामिल हुए थे। ठीक है, तो इस तरह से आप 8 संभाग ध्यान रखिएगा। तो कितने जिले थे आप बताएंगे, 43 जिले थे और संभाग थे 8। आपने 8ों संभाग को भी यहां पर समझ लिया है। इसके उपरांत हम आगे बढ़ेंगे और डिस्कशन करेंगे कि मध्य प्रदेश में अन्य जिले और संभाग किस प्रकार से गठित किए गए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात को समझते हैं। तो ये हमारा मध्य प्रदेश वाला भूखंड जो 1956 में था, यहां पर सबसे पहले आपको एक डेट याद करनी है, 14 दिसंबर सन 1971। तो 14 दिसंबर 1971 को ध्यान रखिएगा एक संभाग बनाया गया जिस संभाग का नाम था होशंगाबाद संभाग। तो प्यारे विद्यार्थियों होशंगाबाद संभाग
होशंगाबाद संभाग का बनाया गया है 14 दिसंबर 1971 को। किससे अलग हुआ था, तो यह अलग किया गया था, ध्यान रखिएगा, भोपाल संभाग से। तो भोपाल से अलग करके एक नया संभाग बनाया गया जिसका नाम है होशंगाबाद। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर भोपाल से अलग करके होशंगाबाद संभाग जरूर बनाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा भोपाल एक जिला नहीं है। भोपाल तो जिला बनेगा 1972 में, अभी याद रखना भोपाल एक संभाग है, जिला नहीं है। तो 14 दिसंबर 1971 को कौन सा संभाग बनाया गया है, संभाग बनाया गया बताएंगे होशंगाबाद, ठीक है, क्लियर है। इसके उपरांत यहां पर मतगणना कर लीजिए कि अब हमारे पास में कितने जिले और कितने संभाग हैं। देखिए, स्थापना के समय कितने जिले थे, 43, और कितने संभाग थे, 8, जिन्हें हमने थोड़ी देर पहले यहां पर समझा था, ठीक है। अब इसके उपरांत जिले तो कितने रहेंगे आप बताएंगे, 43, लेकिन संभाग कितने हो जाएंगे प्यारे विद्यार्थियों, 9, कितने हो जाएंगे, 9। तो 43 जिले और 9 संभाग हो गए हैं 1971 तक में। चलिए, इसके उपरांत एक तिथि याद करिए, 26 नवंबर सन 1972। तो 26 नवंबर 1972 को दो जिले बनाए गए, कितने जिले बनाए गए, 2 नवीन जिले बनाए गए। पहले जिले का नाम क्या था, तो पहले जिले का नाम था भोपाल, और दूसरे जिले का नाम क्या था, तो ध्यान रखना इसका नाम था राजनंदगांव। तो ये राजनंदगांव बनाया गया बताएंगे 1972 में। ध्यान रखिएगा, भोपाल किससे अलग हुआ था, तो भोपाल अलग हुआ था बताएंगे आप सीहोर से, और राजनंदगांव अलग हुआ था दुर्ग जिले से। तो दुर्ग जिले से एक नया जिला बनाया गया था जिसका नाम था राजनंदगांव, और आप बताएंगे सीहोर से क्या बनाया गया, तो बताएंगे भोपाल बनाया गया था। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो 1972 में दो जिले और बनाए गए थे। इसके उपरांत आप मतगणना कर लीजिए, मतगणना जब आप करेंगे तो 43 जिले पहले थे, अब दो और बन गए हैं, तो कितने जिले हो गए हैं अब बताएंगे, 45। संभाग कितने हो गए हैं आपके पास में, 9। तो प्यारे विद्यार्थियों, 43 जिले से 45 जिले हो गए हैं, और 8 संभाग से कितने संभाग हो गए हैं, 9, ठीक है। इसके बाद इसके उपरांत आपको एक और तिथि याद करनी है, और वह तिथि है 1 नवंबर सन 1977। तो 1 नवंबर सन 1977 की बात करें, तो ध्यान रखिएगा यहां पर एक नवीन संभाग बनाया गया। इसका नाम क्या था बताइएगा, उज्जैन संभाग। इसका नाम था उज्जैन संभाग, और उज्जैन संभाग किससे अलग हुआ था, तो प्यारे विद्यार्थियों उज्जैन संभाग अलग हुआ था इंदौर संभाग से। तो इंदौर संभाग से अलग हुआ है बताएंगे उज्जैन संभाग। अब मतगणना कर लीजिए में कितने जिले हो जाएंगे, 45, लेकिन संभाग कितने हो जाएंगे प्यारे विद्यार्थियों, 10, कितने संभाग हो जाएंगे, 10। तो हमारे पास हो गए हैं 1977 तक 10 संभाग हो गए हैं, क्लियर है चीजें, ध्यान रखिएगा। इसके उपरांत आप एक और तिथि याद करिए, 1 दिसंबर सन 1980। 1 दिसंबर 1980 को दो नवीन संभाग बनाए गए। पहले संभाग का नाम था बस्तर, जो किससे अलग हुआ था, रायपुर से अलग हुआ था, और ध्यान रखिएगा दूसरा संभाग था इसका नाम था चंबल, और चंबल अलग हुआ था ग्वालियर से, किससे अलग हुआ था, ग्वालियर से, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा 1 दिसंबर 1980 को
दो संभाग बनाए गए हैं। पहले संभाग का क्या नाम है बताएंगे, बस्तर, जो अलग हुआ था रायपुर से, और दूसरा बनाया गया था चंबल, जो अलग हुआ था ग्वालियर से। क्लियर है चीजें। अब कर लेते हैं हम यहाँ पर मतगणना। तो जब हम मतगणना करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, तो अब हमारे पास में 45 जिले तो हैं, लेकिन संभाग कितने हो गए बताएंगे, 12। कितने हो गए हैं, 12। आप बोलेंगे सर 12 कैसे, देखिए समझिए इस बात को, 12 ऐसे कि हमारे पास में ध्यान रखना पहले कितने संभाग थे, 8, फिर बना बताएंगे होशंगाबाद कितने हो गए, 9, और इसके बाद में आप बताएंगे एक संभाग बना 1977 में उज्जैन, तो कितने हो गए बताएंगे, 10, और अब कितने संभाग बन गए, 2, तो जिससे कितने हो गए बताएंगे, 12 संभाग बना लिए गए हैं। ठीक है, जिले की संख्या कितनी है प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान रखना 45 जिले हैं। ठीक है, इसके उपरांत हम आगे बढ़ेंगे तो हम ये सीखेंगे कि 1982 में एक समिति बनाई गई थी, एक समिति बनाई गई, और इस समिति का नाम था BR दवे समिति। तो BR दवे समिति बनाई गई है 1900, याद रखिएगा, 82 में। आप बोलेंगे सर इस समिति का कार्य क्या था, प्यारे विद्यार्थियों इस समिति का कार्य यह था कि यह देखना कि क्या 45 जिलों से छोटे जिले बनाए जा सकते हैं, और अगर बनाए जा सकते हैं तो वह कौन कौन से जिले बनाए जा सकते हैं। ठीक है, ओके। तो इसको लेकर इस रिपोर्ट ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, इसको लेकर इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और कहा कि 16 नवीन जिले बनाए जा सकते हैं। तो 16 नवीन जिले बनाए जाने को लेकर इस समिति ने अपनी सिफारिश की थी, लेकिन याद रखना 1982 में इनमें से कोई सा भी जिला नहीं बनाया गया, लेकिन जब चुनावी माहौल हुआ तो ध्यान रखिएगा 25 मई 1998 को कितने जिले बना दिए गए, 10 नवीन जिले गठित किए गए, 10 नवीन जिले गठित किए गए, और 10 नवीन जिले जैसे ही गठित किए गए तो अब मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी हो गई है, आप बताएंगे 45 से बढ़कर हो चुकी है 55। कितनी हो चुकी है, 55। ठीक है, तो जैसे ही ध्यान रखिएगा 25 मई 1998 को 10 नवीन जिले गठित हुए, तो याद रखना मध्य प्रदेश के अंदर जिलों की संख्या हो गई, अब बताएंगे 45 से बढ़कर 55। कितनी हो गई थी, 45 से बढ़कर 55 हो गई थी। लेकिन ध्यान दीजिए BR दवे समिति ने कितने जिले बनाने की बात की थी, 16। कितने बनाए गए हैं, आप बताएंगे 10। तो ध्यान रखिए वो जो 6 जिले बनाए जाने थे उनके अंदर भी विद्रोह प्रारंभ हुआ, और उनका भी कहना था कि हमें भी नए जिले के रूप में गठित कीजिए, और 1998 में चूंकि चुनावी माहौल था इसलिए सरकार को एक और समिति गठित करनी पड़ी, जिसका नाम था बताएंगे सिंहदेव समिति। और सिंहदेव समिति ने भी कहा कि ठीक है वो जो 6 जिले मांग कर रहे हैं इन्हें भी गठित कर दिया जाए, तो इनके गठित किए जाने की सिफारिश कर दी। और जैसे ही सिफारिश सिंहदेव समिति ने की तो ध्यान रखिएगा 10 जून 1998 को वह 6 जिले भी बना दिए गए, 6 नवीन जिले गठित कर दिए गए, नवीन। शेष बचे 6 नवीन जिले गठित कर दिए गए, नवीन जिले गठित कर दिए गए, जिससे मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी हो गई, अब बताएंगे 55 से बढ़कर कितनी हो गई, 61। कितनी हो चुकी है, 61। तो इस बात को समझ लेते हैं कि 1998 तक मध्य प्रदेश में कितने जिले बन चुके हैं, 61 जिले हो चुके हैं, और आप बताएंगे 12 संभाग बन चुके हैं। क्लियर है, चलिए एक बार पूरी चीजों को रिवाइज करते हैं कि कैसे कैसे जिले बनाए गए थे और कैसे कैसे संभाग बनाए गए थे। रिवाइज करने के लिए हम एक नई स्लाइड लेना चाहेंगे,
चलिए अब रिवाइज कर लेते हैं कि कैसे कैसे जिले बने थे। तो आप सब जानते हैं 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ, मध्य प्रदेश का गठन किया गया। प्यारे विद्यार्थियों, जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था तब कितने जिले और कितने संभाग थे? तो आप सब जानते हैं कि इस समय हमारे पास में 43 जिले और 8 संभाग थे। इसके बाद हमने एक डेट पढ़े थे 14 दिसंबर सन 1971। क्या हुआ था इस दिन? आप बताएंगे, होशंगाबाद संभाग का गठन, होशंगाबाद संभाग गठित हुआ था। कितने संभाग हो गए थे हमारे पास में? 43 जिले रहे लेकिन संभाग 9 हो गए। इसके बाद में हमने एक डेट देखे थे 26 नवंबर सन 1972 और यहां पर दो जिले बनाए गए। पहले का नाम था बताएंगे भोपाल और दूसरे का नाम था राजनंदगांव। अब कितने जिले हो गए हमारे पास में? 45 और कितने संभाग हो गए बताएंगे? 9। इसके उपरांत हमने 1 नवंबर 1977 में किस संभाग को बनाया था? तो एक संभाग का गठन किया था जिसका नाम था उज्जैन। क्या था बताइएगा? उज्जैन। तो उज्जैन संभाग बनाया था, जिससे याद रखना कितने हो गए थे हमारे पास में संभाग? 45 जिले तो थे लेकिन 10 संभाग हमारे पास में हो गए थे। ओके, इसके उपरांत हमने डिस्कशन किया 1 दिसंबर सन 1980 को। याद रखिएगा कितने संभाग बनाए गए? 2। पहले संभाग का नाम था चंबल और दूसरे संभाग का नाम था बताएंगे बस्तर। ओके, इससे मध्य प्रदेश के अंदर कितने जिले हुए? तो जिले तो रहे 45 लेकिन संभाग हो गया बताएंगे 12। ठीक है, इसके उपरांत हमने एक तिथि याद की थी 25 मई 1998। यहां पर कितने जिले बने थे बताएंगे? 10 नवीन जिले बने थे और 10 नवीन जिले से मध्य प्रदेश के अंदर जिलों की संख्या हो गई थी 55 लेकिन संभाग कितने रहे आप बताएंगे? 12। कितने रहे? 12। ओके, इसके उपरांत एक डेट है 10 जून 1998 और ध्यान रखिएगा इस समय मध्य प्रदेश में कितने जिले बनाए गए? 6 नवीन जिले बने और याद रखिएगा इससे मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या हो गई 61 और कितने संभाग हो गए बताएंगे? 12। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह से हमने मध्य प्रदेश के अंदर 61 जिले और 12 संभाग को डिस्कशन किया है। तो इसे आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, हो सके तो नोट्स बनाइएगा, यह आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और आपके हर एक एग्जामिनेशन में यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।